सब्सक्राइब करो, इनको आगे नहीं बढ़ पाएंगे भैया जी आगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्ते फ्रॉम भैया जी राइडर। और यार सुबह सुबह समझ लो कि कल रात को यार नींद बहुत अच्छी आई थी, मज़ा आ गया। और सुबह सुबह उठ के उठा तो यार नज़ारे ही कुछ और हैं यहाँ पे। फिलहाल अभी तो हम लोगों ने चाय वगैरह सब कोई पी लिया, ऑलमोस्ट हमें निकलना था यहाँ से। 150 के आसपास हमारी जर्नी थी, वो जगह मैं बताता हूँ थोड़ी देर में जब निकलेंगे। फिलहाल बारिश की वजह से हमें वो जर्नी भी स्टॉप करनी पड़ी है थोड़ी देर के लिए। फिलहाल कैब वगैरह हमारा रेडी हो चुका है, बस हम थोड़ी देर में भी कपड़े वपड़े पहनेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट। और एक बार आपको मौसम दिखाता हूँ, मौसम बहुत सही हो रखा है। फिलहाल अभी यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन, और फोटो सेशन दिखाता हूँ मैं आपको। यार आप देखो क्या सही व्यू हो चुका है। सुबह सुबह यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी, और आप एक बार नज़ारा देखो, मतलब कि देख रहे हो यार सुबह इतनी बारिश है, इतनी बारिश की पूरी क्लाउड आ चुकी है सामने, और इस बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। मतलब कि सुनने में आया जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी हुआ है, तो काफ़ी मज़ा आएगा आज। और शिमला का मौसम भी काफ़ी अच्छा है फिलहाल, मुझे तो सुबह से ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो क्लाउडी वेदर हो रखा है ना यहाँ पे, देख रहे होगे, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। तो अब देख रहे हो मौसम, ये देख रहे हो क्लाउड, देखो यार क्या सही लग रहा है यहाँ पे। मतलब पूरा कुछ टाइम पहले तो ये पूरा अंधेरा हो गया था, क्लाउड पूरा यहाँ यहाँ तक घूम रहा था। हमें तो लगा आज प्लान ही कैंसिल हो गया है, बट ठीक है प्लान कैंसिल नहीं होगा, घूमेंगे हम लोग, घूमते हैं मज़े करते हैं। और थोड़ा फटाफट से रेडी वगैरह होते हैं, मुँह धुलते हैं और फिर निकलते हैं। और ये लोग को देखो सुबह सुबह आके आवाज़ फ़ोटोशूट चल रहा है, मतलब दोनों लोग को ये था कि सुबह सुबह भाई चाय छोड़ो फोटोशूट करनी है, बस चलो ऊपर। और इतनी ठंड लग रही, इतनी ठंड लग रही, मतलब कि हम लोग अंदर भी जा रहे हैं हम लोग। सो फाइनली अभी हो गया हम लोग रेडी, फटाफट सारा पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है यार। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कैब के लिए। नीचे रिसेप्शन में सारा सामान वगैरह सब कुछ हमने भिजवा दिया है, और होटल वगैरह में सब कुछ चेक इन। बढ़िया था होटल, अच्छा इन्जॉय किया, नींद भी बहुत बढ़िया है, और आराम से निकल रहे, कोई जल्दी नहीं है हम लोग को निकलने के लिए। फिलहाल यार मौसम भी अभी खुल गया है बढ़िया, और लिफ्ट भी आ गई है, और हम निकलते हैं। आ गई लिफ्ट, चलो फिर निकलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं आपसे। सो यार होटल से निकले हुए ना काफ़ी टाइम हो गया, और सबको लगी थी बहुत सारी भूख। तो फाइनली यार एक कोइंसिडेंस हुआ मेरे साथ, मैं तो यार थोड़ी देर सो गया था गाड़ी में। तो यार अभी जैसे मैं सो के उठा, मैंने देखा कि फाइनली ये सारे लोग ऐसे जगह पे रुके हुए हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, जो कि ऑलरेडी मेरा नोन है। आप मेरी पिछली वीडियो में देखोगे हिमाचल राइड पे, तो मैं यहीं पे रुका हुआ था, और ये मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगती है। मैं एक बार दिखाता हूँ कौन सी जगह है, ये देखो, मतलब कि बहुत ही प्यारा जगह है। अंदर से इसका डेकोरेशन वगैरह अगर आप देखोगे तो मतलब कि एकदम पुराने होम डेकोर टाइप का। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक डॉगी रहता है, जर्मन डॉगी है, उसका नाम ऑस्कर है। पिछले बार वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तो काफ़ी अच्छी इंटीरियर है, बैठ के आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं पिछले बार एक घंटे बैठा था यहाँ पे, मैं एक बार आपको अंदर दिखाता हूँ, मेरे साथ आ जाओ। अभी दोनों बच्चों को लग रही है काफ़ी ज़्यादा ठंड, तो हम लोग इसके साथ ही बैठेंगे, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, कुछ मैगी वगैरह खाएंगे। बट इसकी स्पेशलिटी दिखाता हूँ आपको, आप अंदर आओ। ये देख रहे हो वो सारे स्टिकर्स वगैरह हैं, जो यहाँ पे आता है वो स्टिकरिंग वगैरह अपना करता है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ऑस्कर, ये देखो ऑस्कर, ये है ऑस्कर, पिछले बार भी इसमें मिला था यहाँ पे। प्लस आपको इंटीरियर दिखाता हूँ मैं, एक बार इधर आओ। तो भाई ना इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारा इंटीरियर, एक बार आप अंदर आओ। कभी आप गांव में नहीं अगर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप रहो, पूरा फीलिंग आएगी। सारे वुडन फिनिश है। और दूसरी चीज आप नीचे देखो एक बार, ये वो लकड़ी के मुझे लगता है जो बुरादे आते हैं ना छोटे छोटे, वो पाउडर होते हैं, वो फॉर्म में डाला गया है। और बढ़िया यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो,
एक चीज़ और आप देखो कि गेमिंग वगैरह के लिए काफ़ी कैरम वगैरह है, बच्चे वगैरह अगर आपके साथ हैं तो काफ़ी इंजॉय करेगा ये बच्चे। भाई यहाँ पे आने के बाद ना आपको बस खाने की दिक्कत नहीं होने वाली है, आप यहाँ पे आने के बाद आपको खाना ही काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, प्लस आप खाने के साथ साथ ना व्यू भी बहुत अच्छा इंजॉय कर सकते हो। व्यू बार आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो मतलब लिटरली आप मैगी का एंजॉय करो यहाँ पे और व्यू का मजा लो। व्यू देख रहे हो आप, ये देखो एक बार यहाँ पे रास्ते किनारे किनारे हैं आपके, पूरे रास्ते हैं, अब जहाँ जहाँ देख सकते हो सब कुछ यार मजा आएगा। मैगी का तो अलग ही मजा है यार यहाँ पे, प्लस आप ये व्यू और खाने के अलावा अलावा बहुत सारी चीजें मैं वो आपको दिखाता हूँ। अगर व्यू के साथ आप चाहते हो ना तो यहाँ पे डेकोर की भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हैंडमेड डेकोर की चीजें हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट भी है, आप अगर यहाँ पे आते हो तो ले सकते हो, काफी अच्छे फ्रिज मैग्नेट है, कुछ ये लोग डेकोर करके रखे हैं। ये जब देख सकते हो यार, ये यहाँ पे फूल है, इसको ये लोग हार्ट करके आप रखे हो, आप ले जा सकते हो डेकोर करने के लिए। बाकी गिटार वगैरह अगर आप म्यूजिशियन के ज़्यादा अच्छे हो तो गिटार वगैरह बजा सकते हो, प्लस अब एक बार देख लो। फिलहाल यार अब मैं ना जाता, बहुत भूख लगी, मैं तो सो गया था, मेरी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अभी कुछ खाते वाते हैं बढ़िया, और खाने के बाद आपको मैं रिव्यू दूंगा कि खाना कितना है। वैसे तो मैं यहाँ पे एक दो बार आ ही चुका हूँ, वैसे खाना बहुत अच्छा है यहाँ का, बट फिर भी मैं पहले भूख लगी मैं खाऊंगा बढ़िया से, उसके बाद मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। तो भाई फाइनली हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और हमने लिया यहाँ से फ्रिज मैग्नेट, तो काफ़ी अच्छा था, बढ़िया मिला यहाँ पे, और रेस्टोरेंट वगैरह जो भी है कैफे है काफ़ी अच्छा है। और हमारे भाई, ये भाई का क्या नाम है? सर आशीष, आशीष भाई हैं हमारे, और काफ़ी अच्छे हैं ये, मतलब कि रेट्स वगैरह काफ़ी जेन्युइन है, आप यहाँ पे बढ़िया खा सकते हो। बट दो तीन क्वेश्चन है मेरे, वो मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि भाई अगर किसी को शिमला से यहाँ पे आना हो तो कितना टाइम लगता है, कितना दूर है ये? सर मैक्सिमम लग जाता है टाइम 2 आवर्स। 2 आवर्स लग जाएगा ना, इट्स मतलब कि एक घंटे के आसपास, 1-2 घंटे तो लगे जाएंगे यहाँ से। किलोमीटर तो कुफरी के बाद आपका ये पड़ता है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, कुफरी शिमला से अराउंड 40-45 किलोमीटर दूर है, और ये नारकंडा से पहले पड़ता है। नारकंडा कितना दूर होगा यहाँ से? वैसे 15 किलोमीटर नारकंडा है, तो अगर आप नारकंडा के लिए जा रहे हो स्पेशली तो ये यहाँ पे रुक सकते हो, काफी अच्छा कैफे है। वैसे रात में कब तक खुलता है ये? 8 बजे तक खुलता है, तो सिंपल अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप शिमला में स्टे किए हो, नारकंडा अगर आप जा रहे हो तो रिटर्निंग में आप यहाँ रुक सकते हो, ज्यादा टाइम में भी रुक सकते हो, 8 बजे तक टिल ओपन रहता है ये। भाई सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको ये हर सीजन में ओपन मिलेगा, मतलब कि 12 के 12 महीने ओपन मिलेंगे आपको ये। यहाँ कोई बेस्ट सीजन नहीं है, आप जब भी आप विजिट करना चाहो आ सकते हो यहाँ पे। बट सुबह सुबह कितने बजे तक ओपन हो जाता है ये? 8 o'clock सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ये आपको ओपन मिलेगा। आप यहाँ पे आओ, मजे करो, मैगी वगैरह खाओ, कॉफी वगैरह पियो, और बढ़िया जाओ घूम के। सो भाई निकल चुके हम लोग अभी कैफे से, और हम जा रहे हैं नारकंडा की तरफ, और नारकंडा पहुँचेंगे फिर वहाँ पे हम दिखाएंगे थोड़ा। प्लस एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे एक सबसे लेटेस्ट ब्लॉगर हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ ब्लॉगिंग करके? आप मेरे साथ मेरा ब्लॉगिंग करोगे? कैसा ब्लॉगिंग, कितना करोगे? अच्छे से करोगे ना? अच्छे से करूंगा। कितने अच्छे से करोगे? बहुत अच्छे करूंगा। सही में मेरा वीडियो हिट कर दोगे? हाँ। और स्नो में आप बोले थे खांसी हो जाएगी आपको, अभी आप हम दो बोला कि आप जादू कर दोगे। मैंने बोला इसको कि मैं मैजिक करके तुम्हारी खांसी को बंद कर दूंगा, तब से ये खुश हो गया है। मैंने बोला है कि मामू मैं आपका सारा व्लॉग मैं ही बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है। और गाड़ी में सबसे पीछे एंजॉय करते हुए, पीछे का मौसम का मजा लेते हुए फिलहाल निकल दिए हैं, और अभी नारकंडा पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, बाय। आप कैसे हो? हेलो, हम स्नोफॉल पहुंचने ही वाले हैं, मैं चॉकलेट खा रहा हूं। भैया जी आइडल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे भैया जी आइडल। यार ये मौसम देखो आप, मतलब इतनी ज्यादा क्लाउड है कुछ पता ही नहीं चल रहा सामने क्या है, देख रहे हो मतलब कि पूरा व्हाइट हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा, बस ये पेड़ है क्योंकि हम लोग पास में चल रहे हैं तो दिख रहा है, अदरवाइज बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो और भी ज्यादा मुझे क्लाउड मिलेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ पे पता चल रहा है कि स्नोफॉल वगैरह भी हुआ है तो शायद। चलो फिलहाल अभी कुछ और व्यू आता है तो मैं फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई अभी रुके हुए हम लोग बीच रास्ते में, थोड़ा सा
ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से पीछे बैठे बैठे पैर में बहुत ज़्यादा ही होने लगता है। देखो बाइक चलाते भी थोड़ा सा दर्द होता है, और कार हो या चाहे कुछ भी हो, अब बैठोगे कहीं इधर उधर तो दर्द होगा ही। तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, दर्द नहीं है यार, देखो थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं बस अपने आप को, हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे उठे हैं, थोड़ा सा हवा वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, और अब फिर निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट। और शायद मैंने आपको बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं कल्पा की साइड में, जो कल्पा और चिटकुल के साइड है ना, हम लोग उस साइड में हम लोग जा रहे हैं, और आज हम कल्पा में स्टे करेंगे। और अभी यहाँ से कल्पा है 2-2.5 घंटे और लगेंगे, अराउंड 80-90 किलोमीटर के आसपास होगा। तो हम करते हैं फिर स्टार्ट अपनी राइड को, थोड़ा सा फ्रेश होके फिर बताते हैं आपसे। मतलब अभी तो ये बस रास्तों का शुरुआत है, आगे आगे तो रास्ता और भी खतरनाक होने वाला है। और आप देखो अभी पहुंचे नहीं, बच्चों को पिलाएंगे। मतलब कि बस रोड ही सही है, पहाड़ तो सारे आपके वैसे ही हैं, आगे चलने के बाद और भी पहाड़ खतरनाक मिलने वाले हैं भाई। व्यू तो मतलब पूछो मत यार, एंजॉय मतलब मजे लो रास्ते के। तो भाई फाइनली रुके हुए अभी एक जगह लंच के लिए, और इधर के बाद मौसम देखो क्या सही मौसम है। मतलब काफ़ी ठंड नहीं है लेकिन ठीक है, खा सकते हो आप यहाँ पे। और एक लोकल ही शॉप है यहाँ पे, और वहाँ पे मतलब कि काफ़ी अच्छा खाना वगैरह मिलता है, और यहाँ की ओनर है ये दादी। खाना वगैरह है सब कुछ है, क्या क्या मिल जाएगा? दाल चावल, दाल चावल, सब्जी, वाह, मक्के की रोटी है और सब्जी है, वो हम खाएंगे। सरसों की साग भी है, सब्जी, मतलब पहाड़ी स्टाइल में खाना मिलता है यहाँ पे, सब कुछ है। बढ़िया है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं लंच वगैरह करते हैं, और बढ़िया मिलते हैं फिर आपसे। क्योंकि बहुत अच्छी शॉप तो नहीं है लेकिन ठीक है यार, खाना मिल जाना चाहिए अच्छा प्योर। अभी मसालेदार कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो खाते हैं और मिलते हैं आपसे। चलो भाई निकलते हैं, पूरी फैमिली सेट हो चुकी है, खाना वगैरह सब ठूस ठूस के खाए हम लोग, मक्के की रोटी, सरसों की साग, राजमा चावल, सारा चीज़ हम लोग खा चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कल्पा के लिए, फिर निकलेंगे हम वहाँ से चिटकुल के लिए, और बने रहो मेरे साथ। और रोड तो मतलब कि पूछो मत, बहुत अच्छा। यस, चिटकुल में हम व्लॉग बनाएंगे, और व्लॉग आएगा किसके थ्रू? सम्मू के थ्रू। चलो भाई। तो भाई यार यहाँ पे किन्नौर में हम लोग एंट्री लेते हुए, और देवभूमि किन्नौर में आपका स्वागत है। और अब यहाँ से आपको पहाड़ का अलग ही मजा लेने को मिलेगा। मतलब जो यहाँ के पहाड़ है पूरे रोड को कवर करते रहते हैं, और आप देख रहे हो कैसे हिली एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो पहाड़ आपको मिलेंगे यार, वो ग्रीनरी वाले नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पे सारे रॉक वाले मिलेंगे आपको। और अभी मिलेगा तो आपको दिखाता हूँ आगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मतलब ये जो पहाड़ है यार, क्या ही बताऊँ मैं आपको, ये पहाड़ मतलब कहने लायक है। ये देखो आप, मतलब ये जो पहाड़ है सारे ऊपर से मतलब कि ऐसे लटके हुए हैं, मतलब कि छत के जैसा, और इसके नीचे हम चल रहे हैं फिलहाल। तो यार अब इसके नीचे क्या ही रुकना, बस नॉर्मली हम लोग अभी आगे अपने की तरफ बढ़ रहे हैं, कल्पा होते हुए निकलेंगे। बट यार आप अगर कभी भी इधर आना चाहते हो तो आप आओ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम तो रहे मोटर ब्लॉगर, हमें तो आना बहुत ज़रूरी है इस रास्ते। तो हम ट्राई करूँगा मैं कि यार देखो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मैं इधर प्लान बनाऊँ स्पीति और काजा की तरफ जाने का,
अदरवाइज हमारा खुद का एक प्लान है जो कि मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। फिलहाल तो अभी यहाँ के आप रास्ते के मजे लो, मौसम एक अलग ही हो रखा है और रास्ते तो भाई क्या बात है, क्या बात है, मतलब व्यू के मजे लो बस। इस पर अगर आप बाइक से आ रहे हो तो अलग ही मजे लो व्यू के। बस साइड में आप देखोगे तो नदी भी चल रही है और हम उधर से होते हुए आए हैं वो रास्ते जो आपको दिख रहे होंगे सामने। फिलहाल मौज लेते हुए रास्तों का। यार आप देख सकते हो इस रोड पे मतलब कि बसें वगैरह का बस खुद तक तो काजा तक बस आराम से जाती है। आप काजा तक बस ले सकते हो, फिर उसके बाद आप वहाँ की जो लोकल बसें होती है वो लेके आप जा सकते हो जहाँ जाना है। बट यार हैट्स ऑफ, मतलब ये जो बस के जो ड्राइवर होते हैं ना काफ़ी सही ड्राइविंग करते हैं लोग। बट मैं तो कभी बस से आना पसंद नहीं करता यार, मुझे अलग ही मेरे लिए इसके डर है कि बस से आना मतलब कि समझ लो अलग ही व्यू इंजॉय कर सकते हो आप। तो मैं तो आऊँ तो बाइक से ही आऊँगा। बट सही है, पहाड़ों पर जो ड्राइविंग होती है अल्टीमेट ड्राइविंग होती है। फिलहाल अभी जो रास्ते तो आपने देखा ही होगा, बट अगर कभी आप इस रास्ते आना चाहते हो तो आप आओ और ये ब्रिज को देखो यार आप, मतलब इस ब्रिज से आप जाने के बाद आप ये लोकेशन देखो, काफी मजा आया यार इस लोकेशन को लेके। और ये बस अभी भी हमारे आगे चलते हुए और हम इस बस को करेंगे ओवरटेक। देखो कर सको तो ही करो क्योंकि पहाड़ों में हमें आगे कुछ दिखता है नहीं, ज़बरदस्ती का ओवरटेक कोई मायने नहीं रखता पहाड़ों के लिए। लोगों को टेंशन मुझे याद आ जाती है दुर्घटना से देर भली, तो वही हम फॉलो करते चलते हैं पहाड़ों में, जगह मिले तो ठीक अदरवाइज स्लोली स्लोली चलते रहो। तो भाई हम होटल में चेक इन कर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड है यार, यहाँ पे बारिश वगैरह भी हो रही है और बच्चे तो एकदम खुश हैं, इनको स्नोफॉल वगैरह देखना था, पर देखो स्नोफॉल तो है नहीं यहाँ पे, पर स्नो है और ग्लेशियर वगैरह दिख रहा है। कल इनको विजिट कराएंगे यहाँ पे और छोटों के साथ साथ बड़े भी दूध पीते हुए देख सकते हो आप, ठंड इतनी ज़्यादा है। तो अभी करते हैं यार चेंजेस फटाक से और यहाँ पे हम आज खुद से चिकन बनाएंगे, हैंडमेड चिकन, और आपको दिखाएंगे यार कैसा बढ़िया वाला चिकन बनाएंगे, चिकन और राइस और ठंड की जगह में यार मतलब पहाड़ी स्टाइल में चिकन बनेगा। बच्चों के साथ रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज, हर दो मिनट पे रोटते हैं ये लोग, बट ये मेरा बच्चा सबसे अच्छा है ना सम्मू। अब क्या पी रहे हो, अरे यार क्या हो गया, अभी मैं क्या करूं, आपने उल्टा पहन लिया बेटा, आपने उल्टा पहन लिया क्या, दिखाना जरा। उल्टा आपने क्यों ऐसा किया, समूम कल कहाँ घूमेंगे, स्नोफॉल, I want candy to eat, eat, कौन कर बता दो कितने कैंडी चाहिए, कौन कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पे आप कैसा लग रहा है आपको ये बताओ, आपको यहाँ पे आप कैसा लग रहा है, किचन वगैरह मिला हुआ है और हम यहाँ पे चिकन वगैरह बना रहे हैं बढ़िया एकदम स्टाइल में। और ये हमारे सब्बू हैं, आज तुम भी हेल्प करोगे चिकन बनाने में, ठीक है। तो यार देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यार किचन वगैरह मतलब पुराना एकदम पहाड़ी स्टाइल में। चलो चिकन, चलो किचन दिखाते हैं सबको। हाँ तो फिलहाल आपको दिखाता हूँ मैं किचन प्रॉपर, देखो कैसा है यार, मतलब कि एकदम पुराने स्टाइल में किचन है और ये देखो सब लोग लगे हुए हैं खाने के लिए, मतलब क्या सबको खाना मिलेगा, टाइम से मिलेगा सबको, जो जो खाता सबको मिलेगा यहाँ पे, ये लोग वेजिटेरियन है और मैं
एक ये वेजिटेरियन है, एक जीजू का वो वेजिटेरियन है, बाकी ये नॉनवेज खाते हैं, मैं नॉनवेज खाता हूँ और दिव्या दीदी भी नॉनवेज खाती हैं। देखो देखो ये अमेजिंग सा चिकन बन रहा है, चिकन करी बनने वाला है। इधर राइस रेडी हो रहा है और यार लिटरली मतलब कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जी। और दूसरी बात, सब कुछ छोड़ो, मैं आपको एक लोगों से और मिलवाता हूँ। ये हमारे तोता राम जी हैं और ये इनका ये रिजॉर्ट सारा कुछ इनका है और अरेंजमेंट जो इन्होंने करवाया है इन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे आज रुके हुए हैं। तो यहाँ पे आप कब से हैं तोता राम जी? मैं तो 98 से। 98 से आप यहीं पे हैं? यहीं पे तो नहीं, मतलब पूरे किन्नौर में, सांगला, चितकुसरा। अगर किसी को यहाँ पे आना हो रिजॉर्ट के लिए तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ, तो ये अगर रात में भी कोई, अगर मान ले सडन कोई अगर स्पीति से आ रहा है यहाँ पे रात में पहुंच गए 11 12 बजे तो भी हो जाएगा काम? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। और लेकिन ये कुकिंग वगैरह खुद से करनी पड़ेगी? खुद से करनी पड़ेगी, आपको पहले फोन पे बता दे कि ऐसे सीधे हमने आना है करके। तो अच्छा, पहले भी कोई अगर आपको बोल दे कि मैं पहले आ रहा हूँ आप देख लो अरेंज कर लो तो आप अरेंज भी करा सकते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो यार देखो काफी बढ़िया सिस्टम ये हम लोग को दे रहे हैं। फिलहाल हम लोग को तो देखो बाहर का खाना खाने का एकदम मन नहीं था, हमें मिला कि यहाँ पे किचन वगैरह सब कुछ मिल सकता है, होम स्टे में यूजली मिल ही जाता है, बट यहाँ पे काफी अच्छा व्यवस्था इन्होंने दिया मुझे और यार बहुत ज्यादा इनकी हेल्पफुल नेचर है जैसा कि बता रहे हैं। प्लस आप किचन देख सकते हो, मतलब एकदम पहाड़ी स्टाइल का, पहाड़ों का किचन है ये, मतलब कि सब कुछ कुकर दो मिल गया, सारी कुछ मिल गया यहाँ पे। अब बस वेट कर रहे हैं चिकन बनने का और चिकन बन जाएगा तो फिर खाना वगैरह खा के फिर करेंगे हम रेस्ट। फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ से, जा रहे रूम पे, काफी ठंड है बाहर, काफी ठंड है यार बाहर। ये यार बेसिकली ना आपका कल्पा, आपका रिकॉम पीओ जो पड़ता है ना उस एरिया में पड़ता है ये, यहाँ से आप स्पीति वगैरह के लिए आप जा सकते हो। बेसिकली जिसको स्पीति जाना होता है उनके पास दो रूट होता है, एक मनाली होते हुए आप जा सकते हो, दूसरा होता है आपको ये आप शिमला से आप कुफरी, नारकंडा और ये आपका रिकॉन पीओ होते हुए, काजा होते हुए आप निकल सकते हो। तो ये दो रास्ते हैं, तो हम लोग देखो स्पीति तक तो जाने वाले नहीं है, हम यहीं तक रहेंगे और यहाँ से घूम घाम के कल एक जगह चिटकुल जाना है हमें, तो चिटकुल में देखते हैं क्या है वेदर फोरकास्ट में पता करते हैं या फिर कोई है वहाँ का लोकल दोस्त से पता करता हूँ और फिर अगर वहाँ पे सारा कुछ सही रहा तो कल वहाँ भी विजिट करेंगे, क्योंकि देखो यार फैमिली है, बच्चे रहते हैं वहाँ पे तो सब कुछ देखना पड़ता है। अगर हम मोटो ब्लॉगिंग करते हुए आते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मली हम स्टे करते निकल जाते, बट मैं प्लान करूँगा स्पीति का अलग से और फिर आपको दिखाऊंगा तब तो, और मतलब कि मोटो ब्लॉगिंग बढ़िया रहेगी उस टाइम। फिलहाल मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सुबह ही खाना वाना सब कुछ हो गया है, डिनर वगैरह कर लिया है और सडनली हमें पता चला है कि हम सोने जा रहे थे तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही तगड़ा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, आप ये देख पा रहे होंगे, पूरा स्नो हो गया है और सारे बच्चे यहाँ पे एक्साइटेड हो गए हैं, सब लोग स्नोफॉल देखने के लिए आ गए हैं, तो मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। हमें लगा नहीं था कि स्नोफॉल होगा बट स्नोफॉल स्टार्ट हो गया और अब हम स्नोफॉल का मजा लेंगे यार, बिकॉज काफी टाइम बाद स्नोफॉल देखने को मिला है यहाँ पे। फिलहाल अब वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, फैमिली ख्याल रखो, बाय।